बहुत बढ़िया। पांच किस्म की चटनी है यहाँ पर, इसमें तो कुछ पुदीना भी है शायद। पुदीना, ये पुदीना चटनी। सबसे बढ़िया बात मुझे लग रही है इस खाने के बारे में वो है इसकी सादगी। हाँ, आप देखिए कुछ भी तामझाम नहीं है, सादा खाना है, इडली स्टीम, हेल्थ फूड है ये, टिपिकल हेल्थ फूड। कोई पेट को, इसमें कोई ऑयल नहीं है, कुछ नहीं है, तो जो जिसको पेट का जो कुछ खराब है उसमें सब ठीक हो जाता है। वाह, विरुंधु पीस्ट दावत दोस्तों के साथ, जान पहचान के लोगों के साथ, हाँ, और खुशी, और खुशी के साथ साथ एक ऐसा खाना जो बहुत ही साफ सुथरा और हल्का है। अब मैं आपको वड़ा का जायका दूंगा, गरम गरम वड़ा है एकदम। क्या, व्हाट इज इट कॉल्ड इन तमिल? उड़द वड़ा। उड़द माने उड़द। उड़द, अच्छा, उड़द दाल की वड़ा। और ये पर्प, पर्प वड़ा। इट हैज ऑल द दाल्स, यू नो, ऑल द लेंटिल्स। आप रंग देखें इसका, एकदम सफेद, गर्म गर्म एकदम, बहुत बढ़िया। अगर आप इसे सांभर के बिना भी खाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये पोंगल है, अब इसका जायका मैं आप तक पहुंचाऊंगा। कल्पना कीजिए ऐसी खिचड़ी जिसमें हरी मिर्च भी है, अदरक भी है, जीरा है, करी पत्ता है, और घी में पकाई गई है, और थोड़ी सी दाल भी है इसमें। खिचड़ी तभी बनती है, बहुत अच्छा पोंगल। ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं शकरे पोंगल। शर्करा का मतलब है शुगर, जिसे संस्कृत में शर्करा भी बोलते हैं। वैसे तो पारंपरिक रूप से जो खाने की शुरुआत है विरुंधु पीस्ट की शुरुआत मीठे से की जाती है। दिव्य, डिवाइन, ये जायका डिवाइन है, आत्मा तक जा रहा है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कैंपर, कपूर जिसे बोलते हैं हिंदी में, खाने वाला कैंपर, उसका विफ है, उसका झोंका है, बहुत उम्दा। अब हम आपको जायका देंगे इस वड़ा का। इसमें प्याज भी है, करी पत्ता भी है, मिर्ची भी है, दाल भी है। ये अपने आप में काफी हेवी, काफी भारी किस्म का स्नैक हो सकता है, लेकिन बहुत उम्दा जायका है ये। तो कुल मिलाकर हमने आपको पुदीना चटनी, प्याज चटनी, नारियल चटनी, टमाटो चटनी, पोंगल, सांभर, वड़ा, इडली और शकरे पोंगल, ये जायके हैं चेन्नई के। अगर आप चेन्नई आए कभी भी तो मुर्गुन इडली जरूर आए, उस टाइप को गुरु और शारदा यहाँ पे मिल जाए। तो ये थी यहाँ के जायके। आगे चलते हैं, चकले जायका इंडिया का, चकले जायका इंडिया का, ये जायका इंडिया का, ले जायका इंडिया का, चकले जायका इंडिया का, चकले जायका इंडिया का, ये जायका इंडिया का। चेन्नई के मालापुर इलाके में हम साउथ माड़ा स्ट्रीट पर हैं। संगीता वेजिटेरियन आप देख रहे हैं, यहाँ की थाली बहुत मशहूर है, वेजिटेरियन थाली। आइए वेजिटेरियन थाली का जायका लें। चेन्नई का बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है संगीता, और मेरे साथ मेज पर हैं इस वक्त यहाँ के जो चेयरमैन हैं, पूरी चेन है इनकी, पी राजगोपाल नाम है इनका, इन्होंने और इनके भाई पी सुरेश, इन दोनों ने मिलकर ये चेन की शुरुआत की थी, और करीब 25 साल हो गए हैं आपको। 25 साल इनको हो गए हैं। हम यहाँ का खाना देखते हैं कैसा है। आइए, अच्छा, सबसे पहले व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज कोरियल। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं करी पत्ता है, लाल मिर्च है, उबला हुआ कच्चा केला है, नारियल है, दाल है, इसमें ये देखिए मटर भी है, राई के दाने भी हैं, हल्का सा टमाटर भी है, कोरियल। नेक्स्ट, दिस इज नोन एज कूट। कूट, ये कूट कहलाता है। उत्तर भारत में जब गोवर्धन पूजा होती है तो अन्नकूट बनाया जाता है, और जहाँ से मैं आता हूँ नॉर्थ वेस्ट 20 प्रोविंस डेरा इस्माइल खान अफगानिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक, वहाँ पर सात सब्जियों को मिलाकर सत साग बनाया जाता है कूट। ये तो नहीं हम कहेंगे कि उसी का दक्षिण भारतीय संस्करण है, लेकिन ये यहाँ का
वैसी ही एक सब्जी है। इसमें लोबिया भी है, इसमें मटरा भी है, इसमें मटर भी है, इसमें पालक भी है, इसमें ये लाल वाला लोबिया भी है। तो ये हो गया कूट। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पोरियल से। बहुत उम्दा पोरियल है और तमिल खाने में जैसा कि मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा सब होता है, इसमें खट्टे का जोर ज्यादा है। यू ऐड टैमरिंड? या टैमरिंड वी ऐड। इमली का जोर ज्यादा है पोरियल में। दिस इज द यूजुअल क्वांटिटी वी गिव, राइस क्वांटिटी वी गिव। दिस नियरली 450 ग्राम्स ऑफ राइस व्हिच इज क्वाइट सफिशिएंट फॉर अ पर्सन। 450 ग्राम चावल, यानी आधा किलो चावल से थोड़ा सा कम एक वक्त खाने की थाली में दिया जा रहा है। बाकी तमाम चीज़ें आप बार बार मंगाते रह सकते हैं। पहला बेसिक बुनियादी सांभर और चावल, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा सांभर है। दिस इज नोन एज वातापरम। It is a side dish just like a sambar. Achha. With masala gravy some. मैंने पहले कभी नहीं खाई वत्तकोड़म। बहुत तीखी है, बहुत खट्टी है, इसमें मसाले ज़्यादा हैं। मतलब सांभर अगर सादा है तो वत्तकोड़म आप कल्पना कर सकते हैं थोड़ा गर्म कि ये थोड़ा गर्म भी होता है, इसमें मसाले भी ज़्यादा हैं। बहुत उम्दा। रसम, रसम दक्षिण भारतीय खाने का, खासकर तमिल खाने का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये शुरुआती सूप की तरह इस्तेमाल होता है और कई तरह की रसम बनती है। मसलन अगर आपको जुकाम है, साइनस आपके बंद हैं, उसके लिए अलग अलग रसम बनेगी। व्हाट रसम इज दिस? दिस इज टोमेटो रसम। देन दिस कर्ड एंड बटरमिल्क, देयर इज मोर। नो, इट्स कॉल्ड मोर, इट्स कॉल्ड मोर। ये दक्षिण भारतीय रूप है छाछ का, इसको मोर कहा जाता है। इसमें लोग सरसों का दाने भी डालते हैं, इसमें करी पत्ता भी डाला जा सकता है, इसमें हल्की हरी मिर्च और अदरक भी डाली जा सकती है मोर में। ये जो हमने आपके आप तक जो जायके पहुंचाए हैं वो ये हैं। ये मोर है, ये सांभर है, ये रसम है, वत्तकोड़म जो सिर्फ तमिलनाडु में मिलता है। साढ़े 450 ग्राम उबला हुआ चावल, यानी आधा किलो से सिर्फ 50 ग्राम कम, साथ में इतनी उम्दा सब्जियां, दही, रायता, अचार, पापड़, और कीमत आपको मालूम है कितनी? सिर्फ 25 रुपए। इतना उम्दा, इतना सादा, इतना बढ़िया खाना सिर्फ 25 रुपए में उत्तर भारत में कहीं मिलता हो मैं नहीं जानता। चखले जायका इंडिया का, चखले जायका इंडिया का, चखले जायका इंडिया का। चेन्नई के ट्रिप्लिकेन हाई रोड पर ये रत्ना कैफे है, अपने टिफिन के लिए बहुत मशहूर है। और देखिए कितनी हैरानी की बात है कि यहाँ पर तमिल खाना मिलता है, लेकिन इसका जो मालिक है, जिन्होंने शुरू किया, उनका नाम राजेंद्र गुप्ता है, जो मथुरा के रहने वाले बहुत पहले यहाँ पर आ गए थे। और राजेंद्र गुप्ता के जो सबसे नज़दीकी सहयोगी हैं, जो उसकी देखरेख करते हैं, नरेश मित्तल जिनका नाम, ये पंजाब से, लेकिन पैदा यहाँ चेन्नई में हुए थे, लिहाजा इन्हें तमिल तो आती है, पंजाबी नहीं आती। पंजाबी बिल्कुल नहीं आती आपको? समझ लेता हूँ। नीति जी, मैं तो अनल गल कर रहा, पंजाबी तो समझ आ रही है, समझ आ जाएगी पंजाबी। कहाँ से ताल्लुक है पंजाब में आपका? फिरोजपुर। फिरोजपुर से। बहुत दिलचस्प बात है साहब, चेन्नई में पंजाब का नरेश मित्तल पैदा हो और उसे पंजाबी ना आती हो। यहाँ की खासियत है इडली सांभर। वाह, ये देख रहे हैं आप, ये छोटा प्याज है, इसे वेंगैया सांभर बोलते हैं सांभर को, क्योंकि वेंगैया माने ये छोटा प्याज। इसका जो मीठापन होता है वो सांभर में जाता है। साथ ही इसके इसमें लाल मिर्च भी पड़ती है, छोटी मोटी लाल मिर्च होती है जिसे गुंडू मुर्गा बोलते हैं, वो भी अभी मंगा के आपको दिखाऊंगा। हम इसका जायका लेंगे इडली का, बहुत ही बुनियादी इडली लग रही है मुझे। इडली जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल नरम है, मुलायम है,
फ्लफी भी है, उसमें हल्का सा वो खट्टापन भी होता है। और सांभर तो बहुत ही उम्दा है, ये वेंगैया सांभर बोलते हैं इसे, क्योंकि इसमें छोटा प्याज होता है, साथ में मिर्ची भी होती है। साहब मुझे बताइए, पराठा चॉप वो क्या होती है? पराठा के साथ में मील लेकर आता है, ये पराठा है, पराठा तो चॉप बोलते हैं। हाँ, इसका नाम ऐसे लगा दिया है, सिर्फ पराठा ही पराठा, मैदे का पराठा, परोठा बोलते हैं यहाँ से, परोठा बोलते हैं। ये मैदे का लच्छे वाला पराठा आप देख रहे हैं, इसे सांभर के साथ खाया जाता है और कोरमे के साथ खाया जाता है। ये वेजिटेबल कोरमा है। मैदे का लच्छा पराठा बहुत उम्दा है, बहुत बढ़िया है। ये है सांभर का असली चेहरा, ये वेंगैया छोटा प्याज मीठे वाला, और ये है गुंडू मुर्गा। गुंडू माने मोटा, मुर्गा माने मिर्च। बहुत कम लोगों को मालूम है कि जो सूप हर जगह मिलता है, मलिक छानी बोलते हैं जैसे अंग्रेजों ने शुरू किया था, मलिक तन्नी माने मिर्च, तन्नी माने पानी, मिर्च का सूप, काली मिर्च का सूप, मलिक तन्नी, वो मलिक छानी हो गया अंग्रेजी बार में आते आते, मेन्यू में आते आते। ये इसका अपना फ्रेग्रेंस है, अपनी गंध है इसकी, अच्छी बहुत सुगंध है। ये तीखी नहीं है मिर्च इतनी जैसे आप देख रहे हैं, लेकिन इसकी अपनी सुगंध है, वो एरोमा लेने के लिए इसको डाला जाता है। बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया जायका है, ये हल्का फुल्का खाना, शाम का स्नैक है, डिनर से पहले टिफिन बोलते हैं इसे। आप चाहें तो इसे डिनर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सन 1959 में इस मूर्ति का उद्घाटन हुआ, तब मद्रास के मुख्यमंत्री थे के कामराज। मद्रास अभी शहर चेन्नई कहलाता है, और पहला ऐतिहासिक सबूत जो है चेन्नई शब्द का, वो सन 1639 के एक दस्तावेज में है, जब फ्रांसिस डे एक अंग्रेज एजेंट ने सेल डीड रजिस्टर करी, चेन्नई नाम तब आया। ये था ज्ञान, मैंने आपको ज्ञान दिया, आप मुझे इजाजत दें, नमस्कार। इंडिया का।